हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टाइटल देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का आदत है वीडियो का टाइटल ना देखकर ही वीडियो के ऊपर क्लिक करना, उनके लिए आज का वीडियो मेरा पहला क्रिकेट मैच क्या है। आप सभी को पता ही होगा कि क्रिकेट मैच नॉर्मल जैसा होता है दोस्तों के बीच वैसा ही होगा, लेकिन हमारा थोड़ा स्पेशल था। आप लोग क्या करते हैं जब आप दोस्तों के साथ खेलते हैं? आप लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कौन अंपायर होगा, कौन कौन सा टीम बैटिंग करेगा और कौन सा टीम बॉलिंग करेगा। लेकिन क्योंकि सिर्फ हम दो लोग ही क्रिकेट खेलते हैं, हाँ पता है दो लोग, या मेरा दोस्त के पापा जब घर रहते थे तब वही अंपायर हो जाते। हम लोग बच्चे थे तब हम लोगों को नहीं पता होता कि अंपायर और रेफरी के अंदर फर्क क्या होता है, इसलिए हम अंपायर को भी रेफरी बुलाते थे और रेफरी को भी अंपायर बुलाते थे और ऐसा ही कुछ। खेल चालू हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक 100 ओवर का मैच होगा और वो भी एक दिन में, जो हम दोपहर की 4 बजे खेलना शुरू किए थे। हाँ बहुत, मतलब बहुत ही थक गया था बोलने का, और मैं सबमिट किया, मतलब वो रेसलिंग में जो सबमिट होता है वही सबमिट किया कि मैं और बैटिंग नहीं कर सकता। तब मेरा रन था 95 और उसका टारगेट था 96 डेफिनेटली ऑफ कोर्स। वो उतरा, पहले हम 10 मिनट का ब्रेक लिए, उसके बाद जब हम रिचार्ज हो गए थे तब वो बैटिंग में उतरा। वो भाई क्या मारा भाई साहब, पूरे 120 रन। हाँ वर या ना ना माम या सो फाइन। भाई मारा तो मारा, और उसके बाद से वो मुझे सिर्फ इस एक चीज के बारे में ही सताया जाता था। बोलता था, हाँ देख तूने 95 किया और मैंने 120 रन्स किया, हाँ देख वट एवर, आई डोंट केयर, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई एम डम्ब। और उसके अगले दिन से हम क्रिकेट नहीं खेले, मैं इतना डर गया था। हम फुटबॉल में शिफ्ट हो गए, और फुटबॉल तो पूछो ही मत, वो अगली स्टोरी है, मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मंडे।